वो तीन इन्वेस्टिंग मिस्टेक जो आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने से रोकती है। जी हाँ, वो तीन इन्वेस्टिंग मिस्टेक। नंबर वन, इन्वेस्टमेंट विदाउट रिसर्च एंड नॉलेज। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी प्रोडक्ट में करें, किसी भी स्टॉक्स में करें, एक बात जरूर ध्यान रख लें, बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट करना अपने आप को धोखा देने के समान है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जरा इमेजिन कीजिए, आपने कभी फ्रिज परचेज किया है, आपने कभी टीवी परचेज किया है, आपने कभी एसी परचेज किया है, जब भी आप ये चीज परचेज करने जाते हैं, आप कितना रिसर्च करते हैं, उतना ही रिसर्च आपको इन्वेस्टमेंट के लिए करना है। आप चार दुकान पे जाते हैं, भाव पता करते हैं, चार कंपनी के प्रोडक्ट देखते हैं, उनके फीचर समझते हैं, आप नई कार भी लेते हैं, तो इतना सब रिसर्च करते हैं। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई स्टॉक बाई करते हैं, क्या आप इतना रिसर्च करते हैं? न तो आप रिसर्च करते हैं, न किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लेते हैं जो प्रॉपर प्लानिंग करके आपका इन्वेस्टमेंट कर सके। यदि आप चाहते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट में हम आपकी मदद करें, तो नीचे कमेंट में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात की रिसर्च करना, आपको अपने आप को रिसर्च करना है। हर्ड मेंटेलिटी, मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग सुनी सुनाई बात पर, टिप पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। भाई, देने वाला टिप इतना फ्री क्यों है कि आपको टिप दे रहा है? क्या वो अपने आप नहीं ले सकता? उसका इंटेंशन क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो आपका वेल विशर भी है, उसका इंटेंशन भी अच्छा है। वो कब अपने स्टॉक से एग्जिट कर गया, वो आपको बताने नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। उसने कई लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है कि मैं ये स्टॉक बाई कर रहा हूं, तुम भी बाई करो, लेकिन उसने कब एग्जिट कर लिया ना आपको पता है, ना वो आपको बताने जाएगा। फिर आप कहोगे आपको नुकसान लग गया, वो प्रॉफिट में निकल चुका है। तो इसलिए टिप हमेशा मिलती है रेस्टोरेंट में, इसलिए टिप के भरोसे न रहें, हर्ड मेंटेलिटी के भरोसे न रहें, अपनी खुद की रिसर्च करें, एक आइडियोलॉजी बनाएं, उसके अकॉर्डिंग काम करें। सेकंड पॉइंट है, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन पे ध्यान देना। जी हाँ, जब हम स्टॉक मार्केट में स्पेशली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लोग इन्वेस्टर की जगह ट्रेडर बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? सपोज आपने कोई स्टॉक लिया 100 रुपए में, वो 140 रुपए हो गया है, आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, लेकिन आप देखते हैं एक बार तो प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि ये आता हुआ पैसा आपको अच्छा लगता है। जबकि दूसरी तरफ यदि आपने एक स्टॉक 100 रुपए में लिया है, टूट के 60 रुपए भी आ गया, आप उसको एग्जिट नहीं करेंगे, वो 40 रुपए आ जाएगा, आप एग्जिट नहीं करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि आप उस दूसरे स्टॉक में भी सही कब हो, यानी कि वो आपका स्टॉक भी 100 रुपए से ऊपर तब आएगा, या एटलीस्ट भाव के भाव आ जाएगा, तो आप बेचेंगे। कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ज्यादातर स्टॉक्स लूजर्स हैं और बहुत कम विनर्स हैं, और आप कहेंगे कि जो मैं स्टॉक लेता हूं वो टूट जाता है, जो बेचता हूं वो बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो आप लेते हैं वो यदि थोड़ा सा बढ़ जाता है तो आप बेच देते हैं, यानी कि आपने जो लॉन्ग टर्म के लिए लिया, आप इन्वेस्टर थे, आप ट्रेडर बन गए। जबकि दूसरी तरफ आपने ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक लिया 100 रुपए में, वो 90 रुपए भी आ गया, तो आप ट्रेडिंग के लिए लिया है, आप एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि आप कोशिश करेंगे ये एटलीस्ट भाव के भाव आ जाए, तो उसमें इन्वेस्टर बन जाते हैं। जब तक इन दोनों में क्लैरिटी नहीं होगी, आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट का गेम स्पेकुलेशन का गेम है। इसलिए आप कंप्लीट प्रोसेस बनाकर उसके अकॉर्डिंग ही निवेश करें, अदरवाइज निवेश न करें, किसी प्रोफेशनल की एडवाइस जरूर लें। और थर्ड पॉइंट है इमोशनल डिसीजन। जी हाँ, आपके इमोशन आपके इन्वेस्टमेंट को तय करते हैं, आपके इमोशन आपके मोशन को तय करते हैं, आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आपके इमोशंस डिसाइड करते हैं आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैसे होगा। आपने देखा होगा और जाना होगा कि पिछले 30-35 सालों में सेंसेक्स ने 15% एवरेज CAGR प्लस का रिटर्न दिया है, लेकिन कितने इन्वेस्टर ऐसे हैं जिन्होंने ये रिटर्न अर्न किया है? मुश्किल से 2-5%। रीजन बिल्कुल क्लियर है, इन्वेस्टमेंट ने तो रिटर्न दिया है, लेकिन इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं मिला है। रीजन सिर्फ ये है कि इन्वेस्टर कोशिश करता है स्मार्ट बनने की, और उस समय निकलने की जब उसको सेंटिमेंट खराब लगते हैं, उस समय निकलने की जब उसको सेंटिमेंट पुअर लग रहे हैं, देश में इकोनॉमिकली गलत न्यूज आ रही होती है, देश में बाहर से कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, देश की गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इशू आ रहा होता है, या आपको ऐसी कोई न्यूज मिलती है कि ये कंपनी के लिए खराब है और आप बेच जाते हैं, ये अंदर और बाहर का गेम है, वो आपको रिटर्न नहीं लेने देता है। बेटर है बाय इट, शट इट एंड फॉरगेट इट, ये वो याद रखना। यदि आप इस तरह से करेंगे तो मार्केट इक्विवेलेंट रिटर्न आपको मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यदि आप स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे कि अभी तो सब कुछ अच्छा है, अभी तो ले लेना चाहिए, जब सब अच्छा होता है तो आपको भाव लेने लायक नहीं होते हैं, और जब सब खराब होता है तो आपके भाव बाइंग करने लायक होते हैं। चॉइस आपके पास है कि आपको अच्छा देख के लेना है या अच्छे भाव में लेना है,
चॉइस आपके पास है, आपके इमोशन आपके इमोशन को तय करते हैं। इमोशन ये हो सकता है कोविड आ गया पूरा वर्ल्ड बंद हो जाएगा तो हमारी कंपनी का क्या होगा, बेच दो, तभी तो बाजार में बड़ी सेलिंग आई थी, 40% टूटा था। और इन द सेम वे किसी कंपनी का जब बहुत अच्छा रिजल्ट आता है तो हम कहते हैं कि वाह इसका डायरेक्शन अब क्लियर है, लेकिन वो रिजल्ट ऑलरेडी प्राइज इन होता है और हम उसको लेते हैं और शेयर टूट जाता है। तो आपके इमोशंस की जगह आप एक प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपका प्रोसेस आपके इन्वेस्टमेंट का सही रिटर्न आपको देगा। ध्यान रखिए आपका प्रोसेस विद एज होना चाहिए, एज मतलब कि टाइम टेस्टेड होना चाहिए, हिस्टोरिकली उस प्रोसेस ने वर्क किया हो तभी आपका प्रोसेस आपको वर्क करेगा। क्या आप चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात करें तो हम डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे इस वीडियो में 10,000 लाइक्स चाहिए और ये देंगे आप न सिर्फ शेयर करके बल्कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।